लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशंस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था फील्ड ऑफ व्यू, कि किसी मिरर में इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे। और उस फील्ड ऑफ व्यू से हम लोगों ने कुछ चीजें और भी निकाली, जैसे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी इंटायर इमेज, ठीक है, और भी कुछ सिमिलर प्रॉब्लम थे। इसी में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और मिरर में नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा, एंड दैट इज मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। और इसमें हम लोग दो केस करेंगे, जिसमें पहला केस करते हैं मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, सपोज मल्टीपल मिरर्स का केस है, और मल्टीपल मिरर की केस में पहला केस जो हम लोगों ने लिया है उसमें दो मिरर हैं और वो दो मिरर पैरेलल रखे हुए हैं, ठीक है, लेट से मिरर हो गया M1 एंड M2, और इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है O। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट O जो है वो मिरर M1 से A डिस्टेंस पे है और मिरर M2 से B डिस्टेंस पे है। देखो तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस केस में इस ऑब्जेक्ट के इमेजेस कितने फॉर्म होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, तो बताओगे कितने इमेजेस होंगे? इनफाइनाइट। इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, पहले बताओ इनफाइनाइट बोल रहे हो, ये बात समझ में आ रही है कि क्यों इनफाइनाइट है? यस सर। देखो इनफाइनाइट, यस सर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रे इंसिडेंट होगी, स्टार्टिंग कहां से होगी, रे इंसिडेंट होगी। अब रे जब मिरर सपोज इस पे इंसिडेंट हुई M1 के ऊपर, ये वाली रे, तो ये रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो इस रे को जब हम बैक ट्रेस करेंगे, तो बैक ट्रेस करेंगे तो ये रे यहाँ पे I1 पे एक वर्चुअल इमेज बनाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जब ये रे वापस जा रही है तो क्या ये M2 पे फिर से टकराएगी? M2 पे टकराएगी तो M2 को तो ऐसे लगेगा ना कि रे कहाँ से आ रही है, M2 को लगेगा ये रे I1 से आ रही है, यानी M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट बनेगा, और फिर से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी तो फिर M1 के लिए वो I3 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, क्योंकि पैरेलल रखे हुए हैं तो रेज कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी, इनफाइनाइट टाइम्स, कभी भी एस्केप नहीं कर पाएगी, कोई ना कोई रे ऐसी जरूर होगी जो इनफाइनाइट रिफ्लेक्शंस करेगी। ये है कि दूर वाली जो इमेजेस होंगी उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ रेज थोड़ा थोड़ा कम होती जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में इनफाइनाइट बनेंगी। तो इसमें हम पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस इनफाइनाइट, हेंस देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। Infinite number of images, ठीक है। अब इसमें इनफाइनाइट नंबर तो है, बट कई बार क्या होगा कि हमें कुछ स्पेसिफिक इमेजेस के बारे में पूछेगा, तो हम एक काम ये करते हैं, टेबल जैसे करते हैं, टेबल में क्या कर रहे हैं कि एक टेबल में M1 लिख देते हैं, एक कॉलम में M2 लिख देते हैं। तो M1 में हम ये देख रहे हैं कि M1 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा, ये जो मैंने रे डायग्राम बनाया ये M1 की फर्स्ट इमेज के लिए है, तो M1 का जो फर्स्ट इमेज है वो M1 से कितने डिस्टेंस पे है, ध्यान से देखो, तो M1 से A डिस्टेंस पे है, बोलो। इसी तरह से M2 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा, M2 में फर्स्ट इमेज यानी कि I2, M2 से ऑब्जेक्ट ध्यान से देखो तो B डिस्टेंस पे है, तो M2 से जो फर्स्ट इमेज होगा वो B डिस्टेंस पीछे होगा। ये बताओ, ये जो मैंने A1 लिखा है ये लिखा है I1 के करस्पॉन्डिंग, और ये जो B लिखा है ये I2 के करस्पॉन्डिंग, क्लियर है? ये डिस्टेंस लिखे हुए कहां से, M1 M2 से। अब देखो मिरर के सामने अगर कोई इमेज फॉर्म हुआ है किसी दूसरे मिरर का,
तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिहाइंड द मिरर है तो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। मतलब कि M1 के लिए, M1 के लिए ध्यान से सुनना, M1 के लिए I1 का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, M1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट बनेगा और M2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अभी बताओ कि नेक्स्ट सेट ऑफ इमेजेस जो बनेंगी वो M1 M2 से कितने सेपरेशन पे होंगी। तो यहां से देखो जो M1 का डिस्टेंस है I2 से, ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, M1 का I2 से डिस्टेंस टोटल यहां से यहां का कितना है, A plus 2B है। तो M1 उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज बना देगा, बिहाइंड द मिरर। तो नेक्स्ट इमेज जो M1 में बनेगी वो बनेगी A plus 2B पे। और इसी तरह M2 के लिए बताओ, M2 से I1 कितना दूर है, B plus 2A, तो ये उतना ही पीछे बनाएगा। तो सेकंड इमेज हो जाएगी ये, सेकंड इमेज हो जाएगी 2A plus B पे, और ऐसे ही बढ़ते जाएं। तो देखो इसको लिखने का एक तरीका शॉर्टकट भी है, क्या करो इस A में, क्योंकि ये जो A है ये ऑब्जेक्ट बनेगा M2 के लिए, और ये जो B बनाया था I2 ये ऑब्जेक्ट बनेगा M1 के लिए। तो इसमें क्या करो, इसमें मैंने क्रॉस करके साइन बनाया हुआ है, तो क्या करो उसमें A plus B ऐड कर दो। तो अगर तुम A में A plus B ऐड करते हो तो 2A plus B मिल जाएगा, और B में A plus B ऐड करते हो तो तुम्हें A plus 2B मिल जाएगा। और ये प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली चला सकते हैं बिकॉज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो अगला जो बनेगा वो हो जाएगा इस केस में 2A plus 3B, और इसके लिए हो जाएगा 3A plus 2B, और इस तरह से ये प्रोसेस इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, हर बार a plus b ऐड करते जाओ, क्रॉस करते जाएं। क्रॉस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि M1 ने जो इमेज बनाई है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो अगली बार M2 उसकी इमेज बना रहा है इसलिए क्रॉस हो जा रहा है। M2 ने जो इमेज बनाई है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए क्रॉस होकर M1 से बना रहा है। क्लियर है? दो बातें इसमें ध्यान रखने वाली है, एक तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट है, और दूसरा जो इमेजेस की लोकेशन है वो भी हम आसानी से बता सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग ज्योमेट्री। सर हाँ बोलो सर, एक मतलब सर इमेजेस वो भी तो होंगी जो O से ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पहले M2 पे पड़ेंगी। हाँ तो वही तो पहली वाली जो इमेज बनाई है ना I1 I2, वो वही तो है पहली जो इमेज बनाई। अच्छा हाँ, ये जो बनाई है ये वाली जो रे है ये यही वाली। ऐसा ऐसा समझिए समझिए सर। सर हाँ बोलो तो इसमें मतलब क्या है कि मतलब जो A का इमेज हम लोग बनाएंगे उसमें बस हम लोग को A plus B plus करते चले जाना है। हाँ, क्रॉस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, तो वो हमें लोकेशन मिलती जाएंगी। तो देखो M1 के नीचे जो लिखी हुई है वो M1 की इमेजेस हैं, और M1 से डिस्टेंस है पीछे की तरफ। M2 के नीचे जो लिखा हुआ है वो M2 की इमेजेस है, M2 के पीछे बन रही है, कितने डिस्टेंस पे बन रही है वो डिस्टेंस हम लोगों ने लिख दिया है टेबल में। हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज एक ऑब्जेक्ट है M1 M2 पैरेलल मिरर है, ऑब्जेक्ट इधर से सपोज 1 सेंटीमीटर पे है और इधर से सपोज 2.5 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड डिस्टेंसेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट इमेजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ध्यान से बताना, डिस्टेंस हमको ऑब्जेक्ट से बतानी है, 5 क्लोजेस्ट इमेजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से 5 जो क्लोजेस्ट बनेंगी, बताओ जल्दी से निकाल के।
देखते हैं, जैसे सबसे पहले तो ऐसा कर लो, m1 m2 में बना लो, m1 में पहली इमेज होगी 1 सेंटीमीटर पे, m2 में पहली इमेज होगी 2.5 पे, और फिर इनके बीच का डिस्टेंस 3.5 ऐड करते जाओ, तो इसमें 3.5 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 4.5, इसमें 3.5 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6, फिर इसमें 3.5 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 9.5, और इसमें 3.5 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 7.5, ठीक है। और एक लिख लो, 7.5 में 3.5 ऐड होगा तो बन जाएगा, तो 8 बनेगा सर। कौन सा? अच्छा हाँ, यहाँ पे ठीक बात है, ये 8 होगा, 4.5 और ये हो गया 8 सेंटीमीटर, और 8 में 3.5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 11.5, और 9.5 में 3.5 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। 8 लिखनी, 5 ही बतानी है इसमें हमें। अब देखो, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंसेज मैंने लिखी हैं ये तो m1 m2 से लिखी है ना, ऑब्जेक्ट से क्या लिखेंगे बताओ? ऑब्जेक्ट से अगर डिस्टेंस लिखनी है तो एक काम ये करो, m1 से जो डिस्टेंसेज आई हैं उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, और m2 से जो डिस्टेंसेज आई हैं उसमें 2.5 ऐड करेंगे, m1 वाले में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और m2 से जो डिस्टेंसेज आई हैं उसमें 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ऐड होगा, तो 2.5 ऐड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 ऐड होगा तो 12 सेंटीमीटर, और इसमें 2.5 ऐड होगा तो 14 सेंटीमीटर। और इसमें 5 क्लोजेस्ट कौन कौन सी हो जाएंगी, तो 5 क्लोजेस्ट के लिए 2 सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई, 7 सेंटीमीटर पे दो आंसर बनेंगे, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ये 5 आंसर हो जाएंगे। 5 क्लोजेस्ट इमेजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट 2, 5, 7, 7, 9, बताओ कर लिया था? क्या कोई डाउट है बताओ? ये जो डिस्टेंसेज लिख रहे हैं ना m1 के नीचे और m2 के नीचे, ये m1 m2 से डिस्टेंसेज है, हमें ऑब्जेक्ट से बताना है, तो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बताने के लिए m1 से जो डिस्टेंस लिखी है उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट m1 से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट में है, राइट में है, और m2 से जो डिस्टेंसेज आई है उसमें 2.5 ऐड किया है, ठीक है। सो दिस वाज मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड में देखते हैं, मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल, mirrors inclined at an angle, तो mirrors अगर angle पे inclined है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक circle पहले बना लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, draw करने में थोड़ी difficulty होगी, तो पहले से ही draw कर लेते हैं। और एक mirror suppose ये हो गया, और एक mirror suppose ये हो गया, ये मिरर हो गया M1 और ये मिरर हो गया M2, ठीक है। सर्कल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, तो वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो क्या होगा कि जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है वहां से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और वहां से इमेज की डिस्टेंस हमेशा सेम आएगी, तो इस केस में सारे जो इमेजेस होंगे वो सर्कल पे ही पड़ेंगे। फिर से सुन लो क्या बोला मैंने, कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मान लें कि ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट लिया है हम लोगों ने, इसका इस कॉर्नर पी से जो डिस्टेंस है, क्या उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी होंगी?
M1 के लिए भी और M2 के लिए भी, तो सारी की सारी इमेज सर्कल पे बनेंगी, इसलिए ये सर्कल बनाया हुआ है पहले से। अच्छा, जैसे पहले वाले केस में हम लोगों ने M1 M2 से डिस्टेंसेस लिखे थे, यहाँ पे हम M1 M2 से एंगल लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बताओ कि M1 में जो पहला इमेज होगा, ध्यान से देखना, M1 में जो पहला इमेज होगा यानी कि I1, वो कितने एंगल पे आएगा? तो देखो, क्या वो अल्फा एंगल पे आएगा? ये बताओ, क्लियर है ये नहीं? M1 में पहला इमेज ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट से M1 में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, जितने डिस्टेंस पे इमेज उतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह से M2 में पहला इमेज I2 होगा। देखो, M2 में पहला इमेज I2 होगा और वो यहां से बीटा एंगल पे होगा। इतना क्लियर है? बताओ। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो क्या ये जो I1 है, ये जो I1 है, ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो I2 है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I1 जो बन रहा है, I1 नीचे है, I1 बनाया है M1 ने, लेकिन ध्यान से देखो तो क्या ये M2 के सामने है? जब तक ये M2 के सामने है तब तक I1 जो है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I1 अगर M2 के सामने है तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एंगल कितना आएगा? तो देखो, अब वो पूरा एंगल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। तो फिर से इसमें हम ऐड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा। ये नेक्स्ट हो गए। बताओ, देखो बना रहा हूं मैं डायग्राम। आई वन काम कर रहा है एम टू के लिए ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज ये बना है। नाउ दिस इज सपोज आई थ्री, ठीक है, आई थ्री इमेज है। इसी तरह से आई टू जो है, आई टू एम वन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसका इमेज ये बनेगा। ये हो गया सपोज आई फोर। देखो, तो इस तरह से क्या होगा कि इमेजेस फॉर्म होते जाएंगे इस सर्कल के ऊपर हर जगह, ठीक है। और इसमें अल्फा बीटा इस तरह से अल्फा प्लस बीटा ऐड करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनेंगे। बताएगा कोई कि क्यों इनफाइनाइट नहीं बनेंगे? पर एक समय पर सर इमेजेस पीछे चले जाएंगे। हाँ, तो देखो क्या होगा कि जैसे मैंने कहा ना कि M1 M1 ने बनाया I1, I1 देखना ध्यान से, ये I1, ठीक है। अब ये I1 M2 के सामने है तब तो ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज I3 बना दिया। अगर सपोज ये I1 घूमते घूमते इस लाइन के पीछे चला गया तो M2 के लिए फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। यानी कि ये सारी कैलकुलेशन हमें तभी तक करनी है जब तक कि ये वाला जो एंगल बन रहा है, यानी ये जो एंगल्स आ रहे हैं ये वाले, ये एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से ज्यादा होते ही क्या होगा, ये बिहाइंड चला जाएगा, पीछे इस रीजन में आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा, तो M2 के लिए वो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये लाइन मैंने जो बोली, क्लियर है? बोलो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन करिएगा, समझ में नहीं आया। M1 में ये जो एंगल आया है, मान लेते हैं कि ये एंगल कोई थीटा 1 है, ये एंगल कोई थीटा 2 है, तो ये कैलकुलेशन हमें तभी तक करने हैं जब तक कि ये एंगल 180 डिग्री से कम है। यहां पे इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी, फिर से सुन लो, कि ये जो I1 है, I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट है और I1 की इमेज I3 बना दी, ये बनी I3। तो ऐसा तभी हुआ जब ये एंगल, ये I1 जो है, ये M2 के सामने है, यहाँ है, मतलब कि रिफ्लेक्टिंग साइड पे है। अगर ये वाला जो एंगल है M2 के साथ, ये इस लाइन के से बाहर निकल गया, मतलब यहाँ कहीं आ गया, तो M2 के पीछे हो जाएगा, पीछे उसकी कोई भी इमेज नहीं बनेगी। तो ये वाला जो एंगल है M2 के साथ, वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए,
ऐसे ही m1 के लिए भी ये वाला एंगल भी 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन तभी तक करेंगे जब तक ये थीटा वन थीटा टू 180 डिग्री से छोटे हैं। थैंक यू सर। क्लियर है सर? हाँ सर, जब i3 की इमेज m1 से बनेगी इसके बाद, हाँ तो सर फिर जो वो इमेज बनेगी वो m2 से वापस इमेज नहीं बनाएगी? बनाती जाएगी इमेज, इमेजेस बनती जाएंगे। कितने इमेजेस बनेंगे वो अल्फा बीटा पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कब तक बनेंगे, जब तक वो उसके सामने है, और सामने तभी तक होगा जब तक वो एंगल 180 से ज्यादा नहीं है, 180 से छोटा है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया इसमें कि थीटा वन थीटा टू की वैल्यू हमें 180 डिग्री से कम एंगल तक ही काउंट करनी है। ठीक, दूसरी एक और खास बात है इसमें, कई बार क्या होता है ना इस केस में कि जो फाइनल इमेजेस हैं, फाइनल इमेजेस कई बार कोइंसाइड हो जाती हैं। सपोज करते हैं कि ये एक nth इमेज है और यही इमेज n प्लस 1th है, तो कई बार क्या होगा कि ये इमेज कोइंसाइड हो जाएगी। अब ये कोइंसाइड कैसे होगी ये समझा ध्यान से। तो देखो, ये कोइंसाइड तब हो सकती है जब m2 से जो एंगल लिखा हुआ है लास्ट वाला हम लोगों ने थीटा 2, और m1 से जो एंगल लिखा हुआ है लास्ट वाला थीटा 1, इन दोनों एंगल का जो सम है, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस दोनों मिरर के बीच का एंगल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाए एग्जैक्ट, तो इसका मतलब होगा देन आई एन एंड आई एन प्लस 1 विल कोइंसाइड। और अगर दो इमेजेस कोइंसाइड होंगी तो उनको हम एक ही इमेज काउंट करेंगे एंड दे विल बी काउंटेड एज सिंगल इमेज। ये बताओ लाइन जो मैंने फिर से लिखी है, सर आईएन पे इमेज बन कैसे गई? अरे आईएन कोई भी नंबर मान लिया है, बन रहा होगा कोई इमेज, कैलकुलेट करते गए करते गए करते गए, बाद में मान लेते हैं आईएन आ गया, तो जो एंगल आया वो थीटा वन थीटा टू है, लास्ट में लिखा हुआ है ना एंगल, तो मैंने कंडीशन ही निकाली है इस बात की कि अगर आईएन और आईएन प्लस 1 कोइंसाइड हो रही होंगी तो वो हमको वैल्यूज से कैसे पता चलेगा। हम लोग हर बार ड्रॉ नहीं करने वाले हैं काम, ये काम हर बार नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे उस टेबल की हेल्प से। तो उस टेबल में हमको पता कैसे चलेगा कि जो आई एन और आई एन प्लस वन है, आई एन बनाइए मान लो, आई एन बनाइए मान लो उसने एम वन ने और आई एन प्लस वन बनाइए एम टू ने, तो सर्कल पे बनते 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 ऐसा हो सकता है ना कि कहीं पे दो इमेजेस एक साथ बन गई, उसने जो बनाई और इसने जो बनाई एक जगह बन गई। ठीक है ना, अल्फा बीटा में तुम्हें क्लैरिटी कम आ रही होगी, कोई बात नहीं, अभी हम लोग वैल्यूज लेके करेंगे एक एग्जांपल और, तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जितना लिखा हुआ है वो नोट कर लो। ठीक है, जैसे इसमें करके देख लो, ड्रॉ ऑल द इमेजेस व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सपोज ये कोई केस है, ड्रॉ करके देखो अपने आप, बताओ अल्फा बीटा दोनों 30 डिग्री हैं, सर्कल बनाओ, टेबल बनाओ और दोनों को मैच करो, करो ट्राई अपने आप। देखो पहले एक काम ये करो, पहले तुम सिर्फ कैलकुलेशन कर लो, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना है, सीधे m1 m2 लिखो, अल्फा बीटा दोनों 30 30 हैं, यानी कि पहला इमेज इसमें 30 पे, पहला इमेज इसमें भी 30 पे। अब नेक्स्ट इमेज कितने एंगल पे होगा तो इसमें 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री ऐड कर दो, तो 30 में 60 ऐड करेंगे तो इधर आएगा 90 डिग्री और इधर भी आएगा 90 डिग्री,
और फिर से 60 ऐड कर दो, तो फिर से 60 ऐड करोगे तो इधर आएगा 150 डिग्री और इधर आएगा फिर से 150 डिग्री। अब और आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि अब अगर हम 60 डिग्री ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हमारे लिए थीटा वन और ये वैल्यू हमारे लिए थीटा टू हो गई। चेक कर लो, चेक ये करना है कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है। तो देखोगे तो ये 360 डिग्री आ रहा है, तो 360 डिग्री आने का मतलब है कि जो लास्ट की दो इमेजेस हम लोगों ने दो लिखे हैं तो वो दो नहीं है, एक ही इमेज है। तो ये आई वन हो गया, ये आई टू हो गया, ये आई थ्री हो गया, ये आई फोर हो गया और आई फाइव और आई सिक्स कोइंसाइड हो रहे हैं, आई फाइव एंड आई सिक्स आर कोइंसाइडिंग। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या बोलेंगे, क्यों भाई? तो टोटल फाइव, नंबर ऑफ इमेजेस वुड बी फाइव। ठीक है, अब तुम ड्रॉ करके देख लो चाहो तो। वो थोड़ा एंगल सही से बनाओगे तो सब सही से दिखाई देगा। इस तरह से अप्रोक्सीमेटली मैंने बना लिए हैं, तो ये मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका पहला इमेज जो है ये हो गया आई वन, पहला इमेज इसमें इधर हो गया आई टू, ये एम वन है और ये एम टू है। फिर आई टू का इमेज एम वन में बनेगा तो ये हो गया आई थ्री, और आई वन का इमेज इसमें बनेगा ये हो गया आई फोर, और आई थ्री का इमेज एम टू में तो ये हो गया आई फाइव और यहीं पे हो गया आई सिक्स। देखो ध्यान से, क्लियर है या नहीं? एक इमेज, दो इमेज, तीन चार पांच, ये फाइव इमेजेस हैं। बताओ है, बोलो। तुम्हें ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए आएगा। तो वो जो मेथड लिखा हुआ है कैलकुलेशन का, अगर वो भी क्लियर है तो उससे काम चल जाएगा। हाँ, ड्रॉ करके मैंने इसलिए दिखाया है जिससे विजुलाइज भी हो जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी तरह से तुमको मिलेगा कि जैसे फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस When, अब सपोज दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू दी हुई है, सपोज बीटा की वैल्यू सपोज दी हुई है 18 डिग्री, निकालो इसमें कितना आएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इमेजेस, अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 18 डिग्री है। वैसे ही चलो, एम वन हो गया, एम टू हो गया, एम वन में पहला 30 डिग्री, इसमें 18 डिग्री, फिर इसमें 48 डिग्री ऐड कर दो, कितना बनेगा? 48 ऐड होगा तो ये आएगा 78, और इधर ऐड करेंगे 48 तो 66। यस सर। नेक्स्ट और 66 में 114, इधर हो गया 114, और 78 में 126, एंड वंस अगेन अगर इसमें 174, 174 एंड 114 में 162. अब और आगे नहीं ऐड कर सकते क्योंकि फिर वो क्रॉस कर जाएगा। चेक ये कर लेना है कि 162 डिग्री, 174 डिग्री और दोनों के बीच का एंगल यानी कि 48 डिग्री, इन तीनों का 384.
24 यानी नॉट इक्वल टू 360 डिग्री और नॉट इक्वल टू है हेंस टोटल 8 इमेजेस हो गई ठीक है ना 8 इमेजेस आ गई टोटल क्लियर है बोलो सर बोलो सर कोइंसाइडिंग के चांसेस केवल लास्ट वाली इमेजेस में होते हैं हां वो तो जो पहले वाली है वो तो दूर होंगी ना